हेलो बच्चों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि कैसे कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं और कैसे क्या मतलब टेक्निक पूछी जाती हैं, कैसे टेक्निकली क्वेश्चन पूछा जाता है और इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ 12 पेन एंड 13 बुक्स इक्वल टू 1600 रुपीज़। ठीक है, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 84 पेंस एंड 91 बुक ऑफ सेम काइंड, यानी उसी तरीके की। तो यार इसको कैसे करेंगे, कर सकते हैं आप? दिखने में तो ये बड़ा बड़ा वही है कि अरे यार इसमें तो इनकी इनकी वैल्यू दे रखी है, यानी अगर लीनियर इक्वेशन, आप सोचोगे यार लीनियर इक्वेशन लगाएं या क्या लगाएं, कैसे करें। कुछ दिमाग में आ रहा है? अब देखिए और इसको कैसे करते हैं और कैसे कॉन्सेप्ट इजी बनाता है, कैसे आपका दिमाग उसको इजी बनाता है, उसका कमाल मैं दिखाता हूँ। यानी टेक्निकली कैसे सोचना है क्वेश्चन को और कैसे करना है, वो कुछ दिक्कत नहीं पूछते हैं, क्वेश्चन सिंपल ही होते हैं। बस क्या होता है, उसको टेक्निकली पूछा जाता है और शॉर्ट टाइम होता है, इस वजह से दिमाग नहीं चलता है। तो दिमाग को बहुत खुला रखना है और क्वेश्चन को करना है। कैसे, इसको हम लोग देखेंगे। मैं हूँ रजनीकांत दीक्षित और आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल मैथ मंत्रा। चलिए देखते हैं कैसे करा जाए, कुछ अपना दिमाग लगाइए, देखिए कैसे करेंगे। कुछ समझ में आ रहा है? काफ़ी बच्चों ने तो उस पर दिमाग लगाया होगा। खैर ऐसा नहीं कि कर नहीं सकते हो, मगर क्या टेक्निक लगाने आ रहे हैं, ध्यान दो। देखो तो जैसे इसको ध्यान दो तो कह रहे हैं 84, तो भैया 84 लिख लिया, प्लस 91। ठीक, अब आगे देखते हैं, तो 7 कॉमन ले लो तो 12, 7 से डिवाइड करो 12 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। ठीक, ऐसा आ रहा है। अब फिर इसमें 7 एज इट इज, और ये क्लियर हो रही बात, वैल्यू दे रखी है 16, मतलब 12 पेन और 13 की वैल्यू दे रखी है, तो भैया हमने डाल दी वैल्यू। अब सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर लो। यार मल्टीप्लाई करने को हमको ना करना, मल्टीप्लाई करो सीधे आंसर आएगा। ठीक है ना, देखिए आप आंसर करिए। तो ये है कमाल आपके क्विक सिस्टम का, यानी आपकी टेक्निकली कैसे आप उसको क्वेश्चन को करेंगे, आप कितना ज़्यादा यानी दिमाग को फैला के सोच सकते हो। ठीक है, सब कुछ उसी में छिपा हुआ है। हो गया कि नहीं हो गया? वो लोग कह रहे हैं कि यार 30 सेकंड में करना है, हम कर देंगे 30 सेकंड में, ख़त्म। तो ये था कमाल कॉन्सेप्ट का। ठीक है, मैं ऐसे ही वीडियो देता रहूँगा, कोई बात आपको कहनी है, कुछ भी कहना है, आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और कोई सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, बाकी लाइक करना सर और शेयर करना और ये सब चीज़ें आपको अच्छी तरीके से मालूम है। ठीक है, मोबाइल के बारे में आप हमसे ज़्यादा जानते हैं। थैंक यू।